is isolation of elements. So this is a class 12 chapter number 6. Its name is isolation of elements. तो ये सेकेंड पीयूसी का क्लास 12 के चैप्टर नंबर 6 है. तो ये टोटल 4 मार्क्स में आपको एनुअल एग्जामिनेशन में आएगा. ये तो 4 मार्क्स कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है बोले तो ऐसे एक क्वेश्चन 1 मार्क्स में और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स में. तो कितना हो गए टोटल 4 मार्क्स. तो आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स को हम इसे और एक नाम से भी हम बुला सकते हैं, वो है मेटलर्जी. शॉर्टकट में हम बोलते हैं मेटलर्जी. तो मेटलर्जी क्या है, क्यों है और हम ये चैप्टर हम इस सेकेंड में क्यों पढ़ रहे हैं और इसका यूजेस क्या है, तो अभी सभी हम इस चैप्टर में हम देखेंगे. तो पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज मेटलर्जी. तो मेटलर्जी क्या है बोले तो इट इज ए प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर. इसको हम क्या बोलते हैं बोले तो मेटलर्जी बोलते हैं. मतलब जो भी एक ओर को हम एक्सट्रैक्ट करके उसको हम एक प्योर फॉर्म में यूज करने के लिए यूज करते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं बोले तो मेटलर्जी बोलते हैं. अभी एक ओर है, ओर को हम एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमको एक मेटल्स मिलते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं मेटलर्जी या आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट बोलते हैं. ठीक है, तो आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स बोले तो इन द पीरियोडिक टेबल. तो अगर हम पीरियोडिक टेबल देखें तो देखो ये क्या है हमारा पीरियोडिक टेबल. ये क्या है हमारा बोले तो पीरियोडिक टेबल है. तो पीरियोडिक टेबल में हमें तीन तरह के उसको क्लासिफाई किए बेस्ड अपॉन देयर कैरेक्टर मेटलिक कैरेक्टर. कौन कौन सा है ये देखो, पीरियड टेबल में हम तीन टाइप का क्लासिफाई किए. वन इज मेटल्स, अनदर वन इज नॉन मेटल्स एंड थर्ड वन इज मेटलॉइड्स. तो इस चैप्टर में आपको मेटल्स का बहुत इंपॉर्टेंट है और नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स का हम आगे चैप्टर्स में हम देखेंगे. तो शायद अभी हम देखेंगे कि मेटल्स क्या है देखेंगे. तो इन द पीरियोडिक टेबल द एस, तो ये एस है, ये पी है, डी है, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है. सो इन द पीरियोडिक टेबल द ब्लॉक एस ब्लॉक डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक दीज आर ऑलमोस्ट हैव मेटल्स. तो क्या है बोले तो जो हमारा एस ब्लॉक डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक है ना, इसमें से ज्यादा तरफ क्या है बोले तो सभी एलिमेंट्स क्या है मेटल्स है. वैसे भी पी ब्लॉक एलिमेंट में भी थोड़ा कुछ मेटल्स है, लेकिन वो कौन कौन सा है हम अगला चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम देखेंगे. ठीक है, तो टोटल इन द पीरियोडिक टेबल 118 एलिमेंट्स है. तो इसमें से मोर देन 80 एलिमेंट्स हैव द मेटल्स. ठीक है, समझ में आया. टोटल 118 एलिमेंट्स में मोर देन 80 से एलिमेंट्स क्या है बोले तो सभी मेटल्स है. तो आपको पता है कि ये मेटल्स हमें जो भी हमें एलिमेंट्स है वो कंबाइन और फ्री स्टेट में मिलता है. तो जैसा एलिमेंट्स है वो हमें फ्री स्टेट में भी मिलता है. तो कौन कौन सा एलिमेंट्स है वो हमें फ्री स्टेट में मिलता है बोले तो कार्बन सिलिकॉन सल्फर और क्या है बोले तो नोबल गैसेस. तो इनके सारे एलिमेंट्स क्या है बोले तो हमें फ्री स्टेट में मिलता है और उसके छोड़ के जो भी एलिमेंट्स है वो सभी हमको क्या मिलता है बोले तो कंबाइंड स्टेट में मिलता है. ठीक है, कंबाइंड स्टेट. तो फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट क्या होता है बोले तो फ्री स्टेट इधर देखो कार्बन का एक है कोल, सिलिकॉन सैंड, सल्फर जो भी रखो सल्फर का और नोबल गैस तो पता है हीलियम नियॉन आर्गन ज़िनान क्रिप्टन. तो ये सारी एलिमेंट्स क्या है बोले तो हमें डायरेक्टली मिलता है. कोई एक्सट्रैक्शन कोई भी ऐसा प्रोसेस वो सही कुछ भी नहीं है कि क्या है बोले तो नॉर्मली ऐसे ये नेचर में रहता है और उसको हम कुछ भी एक्सट्रैक्ट करने की वजह नहीं है. लेकिन उसको हम क्या बोलते हैं बोले तो फ्री स्टेट बोलते हैं. वही हम कंबाइंड स्टेट किसको बोलते हैं बोले तो एक एलिमेंट्स को हमें वो एलिमेंट्स हमें डायरेक्टली नहीं मिलता है, वो इन द फॉर्म ऑफ कोर में मिले तो उसको हम क्या बोलते हैं बोले तो कंबाइंड स्टेट मिलते हैं. अगर देखो एक एलिमेंट वो हमें डायरेक्टली नहीं मिलता है, इन द फॉर्म ऑफ कोर में मिलता है, कोर में मिलने के बाद उसको हम एक्सट्रैक्ट करके एक प्योर फॉर्म ऑफ मेटल में यूज करते हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं बोले तो कम
नेक्स्ट स्टेप बोलते हैं। समझ में आया? तो अभी हम देखेंगे कि थोड़ा कौन कौन सा एलिमेंट वहां हमें कोई प्रश्न में ज्यादा मिलता है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। सो देखो विच एलिमेंट्स विच आर ऑकर्स इन, इधर देखो तो क्या है बोले तो विच एलिमेंट्स इज मोस्ट अबंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट, विच एलिमेंट इज द मोस्ट अबंडेंट, विच एलिमेंट इज मोस्ट अबंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट। तो देखो पहला वाला कौन कौन सा है बोले तो पहला वाला है ऑक्सीजन एंड सेकेंड वन क्या है सिलिकॉन एंड थर्ड वन इज एल्यूमिनियम एंड फोर्थ वन इज आयरन। सो आपको ऐसा क्वेश्चन सबको नीट जेडब्ल्यू कौन सा भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम रहने थे एनडीए पोलिस ऐसे सभी एग्जामिनेशन कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछेगा। कैसा क्वेश्चन पूछेगा बोले तो विच एलिमेंट इज द मोस्ट अबंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट, बोले तो क्या आंसर होना चाहिए ऑक्सीजन। एंड वही क्वेश्चन आपको ट्विस्ट करके देखे तो विच एलिमेंट इज द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट में पूछा बोले तो क्या है सिलिकॉन है। तो ये दोनों क्या हो गए एलिमेंट्स हो गए और ये दोनों क्या है मेटल्स है। ठीक है तो ये एल्यूमिनियम और आयरन क्या है ये दोनों मेटल्स है। तो वही क्वेश्चन और एक तरह पूछेगा। ठीक है ये थोड़ा याद रखो समझ में आया। ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट और सिलिकॉन क्या है सेकेंड मोस्ट अबंडेंट है और थर्ड क्या है एल्यूमिनियम और आयरन है। तो इसमें से ही इस तरह से ही क्वेश्चन पूछेगा। कैसा पूछेगा विच मेटल इज द मोस्ट अबंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो कौन सा होगा एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट और सेकेंड होगा आयरन। समझ में आया? तो इधर क्या पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा था आपको बोले तो एलिमेंट पूछा था विच वन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट बोले तो आपका जवाब आना चाहिए था कि ऑक्सीजन। वही लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या हम बोले तो विच मेटल इज द मोस्ट अबंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट बोले तो आपका आंसर आना चाहिए कि एल्यूमिनियम और सेकेंड मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट बोले तो क्या है आयरन है। तो आयरन से हम आयरन जो भी एल्यूमिनियम का ओर है उस ओर से हम कैसे एक्सट्रैक्ट करके हमको प्योर फॉर्म ऑफ एल्यूमिनियम मिलते हैं ना वो सभी हम इस चैप्टर में देखेंगे। क्योंकि एल्यूमिनियम हमें डायरेक्ट फ्री स्टेट में नहीं मिलता है बल्कि ये हमें कंबाइंड स्टेट में मिलता है। इसलिए एक एल्यूमिनियम का ओर को लेके उसको हम प्यूरिफाई करके एक्सट्रैक्ट करके जो हमें प्योर फॉर्म ऑफ एल्यूमिनियम में मिलते हैं ना उसको हम ये यूज करते हैं। लेकिन जो भी मेटल से ऑलमोस्ट वो कंबाइंड स्टेट में ही मिलते हैं। ठीक है तो अभी हम देखेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड थोड़ा डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है तो अगला टॉपिक है सो इस चैप्टर में हम थोड़ा डेफिनेशन यूज होता है वो सभी हम देखेंगे। तो पहला वाला डेफिनेशन है मिनरल्स। सो व्हाट आर मिनरल्स तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस which can extracted from metals in free or combined state। तो minerals क्या है बोले तो ये हमें क्या होता है बोले तो naturally occurring substance है वो हम मेटल से एक्सट्रैक्ट करके वो हमें इनकी फॉर्म ऑफ फ्री या कंबाइंड स्टेट में मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं बोले तो मिनरल्स बोलते हैं। एग्जांपल कौन सा है बोले तो द मिनरल्स ऑफ आयरन आर द मिनरल्स ऑफ आयरन आर कौन कौन सा है हेमाटाइट
मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और साइडाइट। तो ये क्या है बोले तो ये मिनरल्स ऑफ आयरन है, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट एंड साइडाइट। ये सभी क्या है बोले तो एग्जांपल्स ऑफ मिनरल्स है, ठीक है। तो और एक बार याद रखो, वाटर मिनरल्स मीन्स सो दीज आर दी नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस विच कैन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मेटल इज कॉल्ड एज मिनरल। सो एग्जांपल्स ऑफ द मिनरल्स ऑफ आयरन आर हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट एंड साइडाइट। ओके, तो अगला डेफिनेशन देखेंगे हम ओर। ओर को क्या नाम बोलते हैं? अभिरू, ठीक है। तो क्या है अगला डेफिनेशन जो है हमारा ओर। तो ओर क्या है बोले तो दीज आर द मिनरल्स, दीज आर द मिनरल्स, दीज आर द मिनरल्स एक्सट्रैक्टेड बाय फ्रॉम मेटल्स बाय इकोनॉमिकली। तो ओर्स क्या है बोले तो दीज आर द मिनरल्स है, इसको हम मेटल से एक्सट्रैक्ट करके जो इकोनॉमिकली यूज होता है बोलते उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं बोले तो ओर बोलते हैं, ठीक है। व्हाट इज ओर मीन्स सो दीज आर द मिनरल्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मेटल्स बाय इकोनॉमिकली। तो एग्जांपल्स आर द ओर्स ऑफ आयरन आर, ओर्स ऑफ आयरन आर सेम वही हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट एंड साइडाइट। तो ये क्या हो गया, ये ओर हो गए, ठीक है। तो इधर एक थोड़ा आपको मिनरल्स और ओर का डेफिनेशन थोड़ा ज्यादातर सेम लगा होगा ना, तो इसलिए वो क्यों बोल के हम इधर देखते हैं। सो नो, इसमें क्या है बोले तो आर ओर्स आर मिनरल्स, all ores are minerals but all minerals are not ores because minerals cannot be used in extraction of metals, ठीक है। तो इधर देखो, तो इसमें आपको ओर्स का और मिनरल्स का डेफिनेशन सेम लगा होगा ना, इसलिए एक थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपका नीम जेडब्ल्यू और थियरी पॉइंट ऑफ व्यू। थोड़ा देखो, ऑल ओर्स आर मिनरल्स, सभी ओर्स क्या है बोले तो मिनरल्स है, लेकिन जो ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। क्यों ऐसा बोले तो क्योंकि ओर को हम एक्सट्रैक्ट करके हम उसको प्योर फॉर्म करने के लिए, जो भी हमारा प्योर फॉर्म ऑफ मेटल करने के लिए हम उसको ओर्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, लेकिन वही क्या है बोले तो मिनरल को हम ऐसे मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम मिनरल्स यूज नहीं करते, इसलिए क्या होता है बोले तो ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स, ठीक है, समझ में आया। तो अगला देखेंगे फ्लक्स, अगला टॉपिक है फ्लक्स। गन आर मैट्रिक्स, तो इसको हम गन और मैट्रिक्स के नाम से भी हम बुलाते हैं। तो गन और मैट्रिक्स क्या है, सो द अनवांटेड इंप्यूरिटीज प्रेजेंट इन द ओर, द अनवांटेड इंप्यूरिटीज प्रेजेंट इन द ओर इज कॉल्ड गैन। मतलब जो भी हमारा ये ओर में जो अनवांटेड इंप्यूरिटीज प्रेजेंट करते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं बोले तो गैन और मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर सोचो ये एक हेमाटाइट ओर है,
जहां ए हेमाटाइट ओर है, ठीक है। तो हेमाटाइट ओर के साथ ये ऐसा प्योर फॉर्म में भी नहीं मिलता हमको, इसके साथ जो भी ऐसा पार्टिकल्स रहने, पार्टिकल्स, सैंड पार्टिकल्स, सॉइल पार्टिकल्स, ऐसा जो भी इंप्रूटीज रिप्रेजेंट रहता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, बोले तो गैन और मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल कौन सा है बोले तो एक हेमाटाइट ओर के साथ जो भी सैंड पार्टिकल, सॉइल पार्टिकल, वो सभी प्रेजेंट रहते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, गैन और मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। फोर्थ डेफिनेशन है फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या है बोले तो इट इज ए सब्सटेंस where used to remove the gas in the form of slag. It is called as flux. तो flux क्या है बोले तो ये एक substance है, इसको हम क्या यूज करते हैं बोले तो गैन को रिमूव करने के लिए इन दी फॉर्म ऑफ स्लैग में हम इसको यूज करते हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं बोले तो फ्लक्स। समझ में आ रहा है क्या है बोले तो ये फ्लक्स क्या है बोले तो एक सब्सटेंस है, एक हम गैन को रिमूव करने के लिए इन दी फॉर्म ऑफ स्लैग को हम फ्लक्स यूज कर रहे हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। तो फ्लक्स दीज आर टू टाइप्स, वन इज एसिडिक फ्लक्स एंड अनदर वन इज बेसिक फ्लक्स। तो बेसिक फ्लक्स क्या है देखेंगे, एसिडिक फ्लक्स और बेसिक फ्लक्स, ये क्या है, फ्लक्स के दो टाइप्स है। सो एसिडिक फ्लक्स क्या है बोले तो द रिमूवल ऑफ बेसिक गन को हम क्या बोलते हैं बोले तो एसिडिक फ्लक्स बोलते हैं। वही हम द रिमूवल ऑफ एसिडिक गन उसको हम बोलते हैं बेसिक फ्लक्स, ठीक है। क्योंकि इधर एग्जांपल कौन सा है बोले तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड एग्जांपल है, और ये बेसिक फ्लक्स में एग्जांपल है लाइमस्टोन दैट इज काकोत्री कैल्शियम कार्बोनेट। तो फ्लक्स क्या है, दो टाइप्स के होते हैं, वो एक एसिडिक फ्लक्स है और एक कौन सा है, बेसिक फ्लक्स है। तो एसिडिक फ्लक्स क्या है बोले तो द रिमूवल ऑफ बेसिक गन इज कॉल्ड एज एसिडिक फ्लक्स, और बेसिक फ्लक्स क्या है बोले तो रिमूवल ऑफ एसिड गन इज कॉल्ड बेसिक फ्लक्स। तो एग्जांपल ऑफ एसिडिक फ्लक्स के लिए सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, और बेसिक फ्लक्स के लिए क्या है, काकोत्री मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये क्या हो, तो फिफ्थ डेफिनेशन इज स्लैग। तो स्लैग ये स्लैग क्या है बोले तो इट इज ए मिक्सचर ऑफ गन एंड फ्लक्स। तो स्लैग क्या है बोले तो इट इज ए मिक्सचर ऑफ गन प्लस फ्लक्स, इसको हम क्या बोलते हैं बोले तो स्लैग बोलते हैं। जो भी एक हमारा गैंग और फ्लक्स को मिलने के बाद जो हमको स्लैग मिलते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं बोले तो स्लैग बोलते हैं। तो आज की क्लास की वीडियो में हमने जो आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में देखे थे, और कौन सा एलिमेंट जो मोस्ट अबंडेंट है, और कौन सा मेटल्स जो मोस्ट अबंडेंट है इन द अर्थ क्रस्ट, और हम मेटलर्जी के डेफिनेशन, और थोड़ा इस चैप्टर्स में उन कौन सा चैप्टर्स का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, वो हमें आगे प्रोसेस में यूज होता है, वो सभी हम आज की क्लास के वीडियो में हम देखे थे। तो कल की क्लास की वीडियो में हम देखेंगे, एक स्टार्टिंग स्टार्ट करेंगे, उसके बाद देखेंगे अभी आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स कैसा फॉर्मेशन होता है, कौन कौन सा ओर्स है, वो सभी हम देखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।